प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल मजीद मीर, टीचर पी एस थानी गुजरान से। प्यारे बच्चों, आज हमने क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए सब्जेक्ट EVS और जो टॉपिक है हमारा वह है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। प्यारे बच्चों, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब है जानदार और बेजान चीज़ें। प्यारे बच्चों, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जानदार चीज़ें जो होती हैं वो हरकत करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग यानी जो बेजान चीज़ें हैं वो अपने आप हरकत नहीं कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। दूसरा जो है, लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम, लिविंग थिंग जो है वक्त के साथ साथ बड़ी हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विद द टाइम, नॉन लिविंग थिंग जो है बेजान चीज़ें जो है वो वक्त के साथ बड़ी नहीं हो जाती। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, यानी जो जानदार चीज़ें हैं उन्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, और जो बेजान चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग जो है जो बेजान चीज़ें हैं उन्हें सांस लेने की यानी हवा की कोई ज़रूरत नहीं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, यानी जो जानदार चीज़ें हैं उनको बड़ा होने के लिए गुज़ा की ज़रूरत पड़ती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, जो बेजान चीज़ें हैं होती वक्त के साथ बड़ी नहीं हो जाती हैं। लिविंग थिंग्स चेंज फील चेंज अराउंड देम, जानदार चीज़ें जो है वो महसूस करते हैं अपने इर्द गिर्द कोई भी तब्दीली अपने आप में हो चाहे अपने माहौल में हो। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंज अराउंड देम, जो बेजान चीज़ें उनमें से कोई तब्दीली नहीं आती है, जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। लिविंग थिंग्स ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स फॉर लिविंग थिंग्स, यानी इंसान जो है, पेड़ पौधे जो हैं, जानवर जो है, ये एक मिसाल है जानदार चीज़ों की। और नॉन लिविंग थिंग जो है बुक पेंसिल बैट बैग एडस्ट्रा जो भी हमारे पास है और एग्जांपल्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हमारा कलम है, जैसे हमारा बैग है, कॉपी है, बैट है, ये नॉन लिविंग थिंग है यानी बेजान चीज़ें हैं। ये वक्त के साथ साथ बड़ी नहीं हो जाती हैं, इनको हवा की ज़रूरत नहीं है, इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, जानदार चीज़ें जो होती है ये वक्त के साथ साथ बड़ी हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि गाड़ी भी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, फिर ये बेजान क्यों? प्यारे बच्चों, बच्चे का सवाल जो था वो बहुत ही अच्छा था। गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह हरकत तो करती है, लेकिन उसको हरकत कराने वाला जो होता है वो लिविंग होता है, यानी उसका जो ड्राइवर होता है वो एक ह्यूमन होता है। प्यारे बच्चों, गाड़ी जो है यानी कार जो है वो लिविंग नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग है। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।